अगर दम है तो 40 में 40 करके दिखाओ। पहला सवाल, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? दूसरा सवाल, खून का रंग लाल क्यों होता है? तीसरा सवाल, साइन पाई बटा में 4 का मान कितना होता है? चौथा सवाल, बिंदु ए 6-8 का मूल बिंदु से दूरी कितना होगा? पांचवा सवाल, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? छठवां सवाल, बहादुर घर से क्यों भागा था? सातवां सवाल, खोखा कौन था? आठवां सवाल, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में कितने वर्ग के तत्व आते हैं? नौवां सवाल, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर संस्कार कितने होते हैं? अगला सवाल, संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? अगला सवाल, वह बाघ से डरता है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? अगला सवाल, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होगा? अगला सवाल, कौन सी गैस ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी है? अगला सवाल, हमारे शरीर में पीएच कितने पराश के बीच कार्य करता है? अगला सवाल, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर महाशय की तरफ से अगला सवाल, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? अगला सवाल, फूलों में नर प्रजनन अंग का नाम क्या है? अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने यौगिक क्या कहलाते हैं? अगला सवाल, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? अगला सवाल, ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? अगला सवाल, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? अगला सवाल, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? अगला सवाल, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर महोदय। अगला सवाल, गजानन में कौन सा समास है? अगला सवाल, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? अगला सवाल, सूर्योदय में किन किन वर्णों की संधि हुई है? कंप्यूटर महाशय की तरफ से अगला सवाल, आलस कथा में पहला आलसी क्या बोला? अगला सवाल, एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक कौन है? अगला सवाल, संसार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अगला सवाल, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अगला सवाल, अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? अगला सवाल, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासा के ऊपर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अगला सवाल, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा? अगला सवाल, यदि टैन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री है तथा टैन ए बराबर 1/√3 है तो बी का मान क्या होगा? अगला सवाल, यदि माध्यक बराबर 18 तथा माध्य बराबर 9 हो तो उसका बहुलक क्या होगा? अगला सवाल, पाई माइनस 2 क्या है? अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6√3 है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? अगला सवाल, यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान क्या होगा? अगला और अंतिम सवाल, माता पिता में कौन समास है? 40 में 40 वही शख्स कर सकता है जिसने सच्चे मन से दिल से मेहनत की है।